मंदसौर शहर में नगरपालिका अध्यक्ष के वार्ड में रहने वाले लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो रही है। गीता भवन रोड महावीर कॉलोनी रहवासी भीषण गर्मी में पीने के पानी को तरस रहे हैं। नल से गंदा पानी आ रहा है जिसका उपयोग पीना तो दूर कपड़े धोने के काम भी नहीं आ रहा है। कॉलोनी के लोगों द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3-4 महीनों से पीने के पानी के लिए अपनी समस्या को लेकर दर दर भटक रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वार्ड के पार्षद खुद नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर हैं, फिर भी नगर पालिका के कर्मचारी रहवासियों की समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि चुनाव जीतने के बाद रमादेवी बंशीलाल गुर्जर अभी एक भी बार अपने वार्ड में नहीं दिखी। वार्ड पार्षद नगर पालिका रमादेवी बंशीलाल गुर्जर के रूखे रवैये के कारण लोगों ने नाराजगी जताई। बस ये पानी बहुत गंदा आ रहा है और ये फिटर में लगा लगा के पानी पी रहे हैं हम। बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, फिर पेट दुखा करते हैं, तकलीफ होती है। पहले भी किए, पहले आके गए मीडिया वाले, कुछ नहीं हुआ, कोई आया ना करा। आप लोग भी आते, आपसे बोलते हम तो पहले भी आगे ही आए थे, कोई मीडिया वाले उनसे ही बात कोई देखने नहीं आता है। बोला पहले तो एक बार हो गया था, दूसरी बार आप करना। यहाँ पर पानी बहुत गंदा आ रहा है नल में, 15-20 मिनट तक ऐसा पानी आता है, उसको आप पीना छोड़े सूंघ भी नहीं सकते हो। और कचरा आ रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं। अध्यक्ष महोदय का वार्ड होते हुए भी हमको करीब 3-4 महीने से आ रहा है भैया। पहले भी शिकायत कर ली, कोई सुनने वाला नहीं। अध्यक्ष महोदय तो हर 2-3 महीने में कम से कम वार्ड में आना चाहिए ना। अर्षद अध्यक्ष महोदय का ही वार्ड है ये। हमारे यहाँ वार्ड में बहुत गंदा पानी आ रहा है और हमारा वार्ड नगर पालिका अध्यक्ष का होते हुए भी हमको ये तकलीफ उठाना पड़ रही है। क्या समस्या आ रही है? ये पानी गंदा आ रहा है पीने का। हाँ, पीने का पानी गंदा है। एक तो गंदा है, बदबू भी आती है, हल्की फुल्की ऐसा लगता है जैसे कोई नाली का पानी मिल के आ रहा हो। मंदसौर से पीडी बरागी की।